बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि सुबह से काम में बिजी हूँ। ऑफिस का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एंड मैं ट्रेनिंग में हूँ तो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड नवी का भी ऑफिस शुरू हो गया, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, नो आइडिया क्या शूट करने वाला हूँ पूरे दिन में, लेकिन देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मौसम देखोगे बहुत गर्म है बाहर, तो शाम में बाहर भी जाना था कुछ काम से, लेकिन गर्मी इतनी है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और लेट करके जाऊँ। तो और आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आलू के पराठे। ओहो, ओनली आलू, नॉट आलू प्याज। आलू प्याज में सिर्फ आलू। चलो, चल रही है और ये मॉनिटर बैठ के देख रहा है उधर से कि वीडियो कॉल चल रही है एंड ही रियली वॉन्ट्स टू नो कि चल क्या रहा है सिस्टम में। इट हैज़ बीन 10 मिनट्स, शांति से बैठ के बस देख रहा है कि सिस्टम में ऐसा क्या हो रहा है। मैक्स, यू आर लकी दैट यू डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स। चला गया। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, घर में कोई भी चीज पड़ी होगी मुंह उठा के खाने लग जाओगे। क्यों मेडिसिन खाई आपने? दवाई खाने की चीज है आपके लिए? ये बेचारा बन के मत दिखाओ मुझे, मतलब मेरे को 5 मिनट में हुए इसको अकेले छोड़े और ये सारी डाइजिन की गोलियां खा गया। उस पत्ते में से 4-5 गोलियां थी और 5 मिनट में इसने 4-5 गोलियां नहीं पट दी। फिशेस के बीच भी लड़ाई होती है, ये देखो ये वाली जो फिश है ना, ये वाली, इसने एक दूसरी फिश है जिसकी आँख निकाल दी। तो ये जो आपको दिख रही है फिश, इसने इस वाली फिश की आइज़ निकाल दी है। देखो लड़ाई करके इसकी आइज़, एक आइज़ निकाल दी है जो कि नीचे कहीं पे घूम रही थी, अभी मैंने देखा था। मैंने फ़िलहाल सेपरेट करके रख दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जनरली ये फिशेस एग्रेसिव तो होती नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है पता नहीं क्यों, इसलिए कल मैं इसे किसी दूसरे को दे दूँगा। इस टैंक में रहने लायक नहीं है, इसने बहुत लोगों को डैमेज कर दिया है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और शिफ्ट मेरी ख़त्म हुई है, काफ़ी लंबा दिन था और अभी बाहर जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अगर दुकानें अगर खुली होंगी तो इसी टाइम पे होंगी, इसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना? इस टाइम भी कोई दुकान खुली नहीं होगी जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, बट फिर भी हम जाएंगे ट्राई। तुम नहीं तो बोला चलने के लिए? हाँ तो वो तो मैंने इसलिए बोला कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा दिन लंबा सा हो गया था, मुझे घबराहट हो रही थी। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा भाई साहब, अलग लेवल की ह्यूमिडिटी है। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं आइसक्रीम लेना है। थोड़ा घूम के आएंगे बाइक पे, थोड़ी आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, अभी निकलते हैं और वापस आते हैं। देखो हम लोग कितने ओबीडियंट है, रात के टाइम पे रेड लाइट जंप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इसी रेड लाइट पे आगे जाके चलान कटा था हमारा, याद है ना? तो वो चलाने वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है। और वो गाड़ी वाला कितना बैड आदमी है। ओह, ये भी बहुत गंदा है, रेड लाइट जंप करके गया। क्या कर रहे हैं, चलो। ये GPS तो किसी दिन मरवाएगा, ऐसी ऐसी गलियों में ले जाता है ना। ये रामफल चौक पे और ये इसने इतना घुमा दिया हमें भाई, ये मेन रोड पे है और हमें अंदर अंदर से घुमा के ले गया। तो फाइनली वी आर एट ज्ञानेश, आई होप कि हमें मिल जाए, मिल जाए। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कहीं पे खुला होने के बावजूद कह रहे कि सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स को देंगे, कस्टमर्स को नहीं देंगे, टेक अवे भी नहीं दे रहे। और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे GPS के साथ भाई? एक तो दिल्ली के होने के बाद भी इसको कोई रास्ता पता नहीं, दूसरे में द्वारका में इतने टाइम से रहने के बाद भी कोई रास्ता पता नहीं, और तीसरा अगर इसको नेविगेशन लगा के दे दो तक निकल जा रहा भाई, उसके बाद बोलिए ओहो ये वाला तख्ता, वो वाला तख्ता। इसलिए ये जो मैंने लगाया है ना, ये इसलिए ही लगाया, परेशान होने के बाद मैंने ये लगाया है। इसके अंदर 3 साइजेस होते हैं, 500, 400 ml, 800 ग्राम। ये मैं आपको अभी टेस्ट कराऊंगा, बहुत ही यूनिक एंड टेस्टी है। क्या इसके अंदर लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे क्लीन से बनाओ। देखो फ्री के नाम पे कैसे अविनाश फिर तू भागते हुए आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन कौन ले रहा है सबको पता है। मैंगो वाली पैक करा ले। 5 मिनट तक ये पूरा मेन्यू पढ़ने के बाद दिमाग में छपा हुआ है कौन सा लेना है, मैंगो है ना। एक दो फ्लेवर है जो हमेशा खाने का है ना, मैंगो एंड कौन सा, ये देखो फोकट में, फोकट में जो भी मिलेगा खा लेंगे। मैं भैया से मांगा करता हूं,
चलो चलो चलो, ट्राई एंड गिव द रिव्यू। सही है, अब अभी तो है नहीं इनके पास, नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी अवेलेबल नहीं है, कल से मिल जाएगा। आइसक्रीम खा ली है और लेके जा रहे हैं अभी यहाँ से। घर जाके सिर्फ मैं खाऊंगा ना? नो, सिर्फ मैं। आपके यहाँ खाने आए थे ना? कितने दिन बाद ऐसे बाहर आइसक्रीम खाने निकले? लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद भाई साहब पूरे। चलो ले लो, कल वीडियो आ जाएगी भैया, ठीक है? चलो थैंक यू। अभी हम लोग आइसक्रीम खा के निकल चुके हैं यहाँ ज्ञानी से, बहुत दिनों बाद बाहर आए थे आइसक्रीम खाने, मज़ा आ गया। और अभी घर जाना है ना, अब थोड़ी देर के लिए हम बाहर क्या गए थे, देखो इसने क्या आतंक मचाया है घर में, ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है और अभी आराम कर रहा है। रुक बताऊँ मैं, ये किसने किया है, किसने किया ये सब, हाँ किसने किया ये, तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, ये किसने किया है बताओ, ये किसने किया है, ये किसने किया है, किसने किया है ये सब, ये कूड़ा किसने फैलाया है, किसने फैलाया कूड़ा ये, क्यों कूड़ा लगाते समय शर्म नहीं आती तुम्हें, कूड़ा लगाते समय शर्म नहीं आती, क्यों लगाया ये कूड़ा, क्यों लगाया बताओ, क्यों लगाया कूड़ा? अच्छा अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हाँ जुबान लड़ाएगा मेरे से, ये कूड़ा किसने लगाया है यहाँ पे, तुमने लगाया ना, फिर बदमाशी मेरे सामने, बदमाशी हाँ? मेरे सामने बदमाशी, क्या ना क्यों कर रहा है फिर ऐसा, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, हाँ नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है, बदमाशी करनी चाहिए तो क्यों कर रहा है फिर, जब नहीं करनी चाहिए तो क्यों कर रहा है फिर, करेगा दोबारा नहीं करेगा ना, हाँ चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, हो गया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हम दोनों में, देखो हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सॉरी बोल दिया इसने, गुड बॉय, ऐसे कूड़ा नहीं फैलाते, ठीक है, सुनने वाला तो है नहीं के, ऑलमोस्ट सवा एक होने वाले हैं, सो अभी खाना खा के फटाफट मैं एडिटिंग पे बैठूंगा, और तुम क्या करने वाले हो? बर्तन धोऊंगी, कल वाली गलती नहीं करूंगी कि रात को छोड़ दे, सुबह बहुत सारे हो जाते हैं यार। सो अभी इसके ऊपर बहुत वर्कलोड है, ऑफिस का भी काम है, घर का भी काम है, और हम लोग मेड ढूंढ रहे हैं लेकिन मेड मिल नहीं रही है, किसी के पास कोई मेड है तो भेज दो, मैं सोच रही हूं कि ना प्राइस रख दूंगी मेड ढूंढ के लाने वाले को 5,000 रुपए ही ना, चलो फटाफट खाते, खाना खा चुका है लेकिन फिर आया मांगने के लिए।